नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। संयुक्त राष्ट्र में शांति रक्षा अभियानों पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा अभियानों में भारत द्वारा 850 सैनिकों की एक अतिरिक्त बटालियन का योगदान देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने सैनिकों का योगदान देने वाले देशों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई भूमिका न होने पर चिंता भी जाहिर की। मोदी ने ये कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता है और ये उत्तरोत्तर मजबूत होगी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अभियानों में महत्वपूर्ण समर्थक मुहैया कराने, तकनीक के जानकारों की तैनाती और भारत में तथा फील्ड में स्थित प्रतिष्ठानों में शांति रक्षकों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण की भारत की प्रतिबद्धता का भी ऐलान किया। मोदी और शरीफ ने हाथ हिलाकर किया एक दूसरे का अभिवादन। द्विपक्षीय संबंधों में ठहराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के उनके समकक्ष नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा शिखर सम्मेलन में सामना होने पर हाथ हिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से बुलाए गए इस शिखर सम्मेलन में पहले मोदी सम्मेलन कक्ष में गए, उससे कुछ मिनट बाद शरीफ आए और उन्होंने मोदी को देखकर हाथ हिलाया। भारतीय प्रधानमंत्री ने जवाब में हाथ हिलाया और मुस्कुराए। इसके बाद कुछ क्षण ठहराव सा रहा और मोदी ने दोबारा शरीफ को देखकर हाथ हिलाया और फिर शरीफ ने भी ऐसा ही किया। मंगल ग्रह पर मिला पानी, नासा। मंगल ग्रह पर भविष्य में बस्तियां बसाने की कल्पना अब केवल कथा कहानियों तक सिमट कर नहीं रहेगी। मंगल ग्रह की सतह पर पानी तरल अवस्था में देखा गया है, जो जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसी संभावनाएं बढ़ गई है कि मंगल पर जीवन मिल सकता है। नासा के खगोलीय विज्ञान विभाग के निदेशक जिम ग्रीन ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया, मंगल एक सूखा और बंजर ग्रह नहीं है जैसा कि पहले सोचा जाता था। उन्होंने कहा, कुछ निश्चित परिस्थितियों में पानी तरल अवस्था में मंगल पर पाया गया है। वैज्ञानिक लंबे समय से ये अनुमान लगाते आ रहे थे कि कभी लाल ग्रह पर जीवन था। नासा ने कहा है कि तरल अवस्था में जल मिलने से ये संभव है कि वहाँ इस समय जीवन हो।